वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ओनली वेल्थ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तीन ऐसे फैक्टर्स जो पूरे कैपिटल आपके प्रॉफिट को उड़ा देते हैं और आपको लॉस मेकिंग ट्रेडर बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, इन पॉइंट के ऊपर हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, पहला पॉइंट है लॉस कट, सेकेंड है पोजिशन साइजिंग, थर्ड है होप ट्रेड ऑब्लिक बिग मूव। तो फ्रेंड्स, इन तीनों पॉइंट को ऐसे ही मत लीजिएगा। सिंपल वे में काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ, काफ़ी दिक्कतें फेस करने के बाद, काफ़ी ट्रेडिंग करने के बाद मैंने ये सीखा है यहाँ पे कि ये तीनों चीज़ें फॉलो कोई भी ट्रेडर नहीं कर रहा तो वो कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे नहीं बन सकता। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट यहाँ पे है लॉस कट। तो लॉस कट क्यों इम्पॉर्टेंट है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के लिए? तो फ्रेंड, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, जितने भी आज की डेट में सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं जो काफ़ी बड़े बड़े प्रॉफिट बना के बैठे हुए हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे पॉइंट नंबर वन जो कि मस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे लॉस कट को फॉलो करते ही करते हैं। उसका रीज़न क्या है फ्रेंड्स फॉलो करने का? तो जो छोटे छोटे आपके लॉस हो रहे हैं वो बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब लॉस बड़े एक्यूमुलेट होने लगते हैं तो आप एक लॉस साइकिल में फंस के रह जाते हैं। अगर मैं करेक्ट बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको गलत लग रहा है तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने कोई भी ट्रेड ली और ट्रेड लेने के बाद में आपको आपने प्री डिसाइडेड लॉस यहाँ पे डिसाइड नहीं किया। सपोज आपने 1 लाख के कैपिटल से यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले ली, तो सबसे फर्स्ट काम क्या होता है, माइंड में ये सेट करके रखना है कि किस लेवल पे अगर ये आता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट ले लूँगा, और वो लेवल आते ही आपको इमिडिएटली वहाँ पे एग्जिट लेना ही होता है। अगर वहाँ पे आप एग्जिट नहीं लेते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं किसी भी ट्रेड का एग्जाम्पल, यहाँ पे सपोज कि यही वाली ले लीजिए, यहाँ पे मार्केट डाउनफॉल करते हुए कंटिन्यूस यहाँ पे आ रही थी, आप देख सकते हैं कंटिन्यूस डाउनफॉल के साथ मार्केट यहाँ पे आ रही थी और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई है। तो प्रोबेबली यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ने सेल साइड की पोजीशन बनाई होगी। तो अगर यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बना ली, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं लेवल्स और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए थी कि नहीं, वो एक डिफरेंट इशू है। कितना डाउनफॉल हो चुका है वो सेपरेट इशू, उसके बारे में नहीं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे इनसाइड कैंडल ये फॉर्म हो गई है, तो यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बना ली है किसी ने और यहाँ पे लॉस को डिफाइन नहीं किया है, दैट मीन्स किस लेवल पे वो आ जाएगा कि वो बंदा वहां से एग्जिट ले लेगा लॉस लेके, ये अगर डिसाइड नहीं किया है तो होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने सेल साइड की पोजीशन यहाँ पे बना ली और मार्केट यहाँ पे रिवर्स ले लेती है, रिवर्स लेने के बाद में फ्रेंड्स आपने यहाँ पे लॉस तो डिसाइड किया नहीं है, और जो आपका कैपिटल है यहाँ पे उसका मान लीजिए 20% भी उड़ सकता है, 30% भी उड़ सकता है, इवन 40-50% भी एक ही ट्रेड में यहाँ पे कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, और उस लॉस को रिकवर करने के लिए आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। और इसमें बेस्ट थिंग क्या रहती है, जो स्मार्ट ट्रेडर रहते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर रहते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि लॉस की सपोज यहाँ पे सेल साइड की एक पोजीशन उन्होंने प्लान की है, तो वो यहाँ पे प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस या फिर लॉस यहाँ पे डिसाइड माइंड में कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जस्ट मैं बता रहा हूँ कि माइंड में मैंने सेट कर लिया यहाँ पे सेल साइड की मैंने पोजीशन बनाई है, तो इस वाली कैंडल का जो लो है, ये वाली कैंडल का लो आप यहाँ पे देखिए 746 है, तो यहाँ पे जैसे ही 746 के लेवल पे आएगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट ले लूँगा। तो उसका लॉस यहाँ पे कितना हुआ, छोटा सा लॉस हुआ, और इस लॉस को वो नेक्स्ट ट्रेड में भी इजीली रिकवर कर सकता है फ्रेंड्स। सपोज करिए 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड किया और
वहां पे उसका लॉस उस ट्रेड में हो गया 5,000, तो 5,000 को स्प्लिट करके भी या फिर एक ट्रेड में भी वो इजिली रिकवर कर सकता है। अगर नहीं भी कर पाया तो नेक्स्ट डे वो जाके वहां पे उसे रिकवर कर लेगा। और जबकि जिसने लॉस को डिसाइड ही नहीं किया है कि कितना लॉस लेना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, तो उस केस में उसका लॉस 50,000 तक भी हो सकता है। और जस्ट इमेजिन कीजिए, 50,000 के लॉस को रिकवर करने के लिए क्या रिमेनिंग 50,000 कैपिटल इनफ है आपके पास? ऑलमोस्ट 50,000 आपका कैपिटल वाइप आउट वहां पे हो चुका है। तो रिमेनिंग 50,000 से कभी भी इजी नहीं रहेगा आपको कि उसको डबल करना। उसको डबल करने के लिए एटलीस्ट आपको एक महीने का टाइम चाहिएगा, और उसमें भी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, विद प्रॉपर डिसिप्लिन वहां पे ट्रेड करेंगे, तभी आप उस लॉस को वहां पे रिकवर कर सकते हैं। तो लॉस कट तो आपको माइंड में रखना ही रखना है। जब आप ट्रेड करने बैठते हैं, उससे पहले ही आपको अपना स्टॉप लॉस वहां पे डिफाइन कर लेना है, और जैसे ही उस स्टॉप लॉस को वहां पे मार्केट हिट करती है, आपको वहां पे उससे एग्जिट ले लेना है फ्रेंड्स। और उस पे फ्रेंड्स उस लेवल पे आते ही फ्रेंड्स एग्जिट लेना ही लेना है, ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। भले ही वो आपके 5 या 1 पॉइंट से स्टॉप लॉस को लेके फिर मार्केट वहां पे 500 पॉइंट्स ऊपर चले जाए, उसका रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर आप एक बार स्टॉप लॉस नहीं देंगे कि इस उम्मीद में बैठे रहेंगे कि यहाँ से हो सकता है मार्केट रिवर्स करे, नीचे आए नीचे आए, उस नीचे आए के चक्कर में आपका काफी वहां पे कैपिटल का परसेंटेज उड़ जाएगा, और जो कि रिकवर करना काफी मुश्किल होता है। और एक हैबिट भी आपको पड़ जाएगी, जब भी आपके स्टॉप लॉस के पास आएगा आपके माइंड में, क्योंकि ये सेट रहेगा कि हो सकता है यहाँ से रिकवरी आए रिकवरी आए, और आप बार बार वही गलती करते रहेंगे और बड़े लॉसेस यहाँ पे फेस करते रहेंगे। तो इससे बेटर है स्टॉप लॉस लेने की हैबिट डाले, लॉस कट करने की यहाँ पे हैबिट डाले। जैसे ही आपके जो आपने प्री डिफाइंड है, जो भी आपकी कैपेसिटी है उस लेवल पे आता है, स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर लिया। सपोज कर लिए 5,000-5,000 के आपने 3 स्टॉप लॉस ले लिए, तो टोटल आपका लॉस फिर भी 15,000 हो रहा है, जबकि बिना स्टॉप लॉस और इस होप में कि मार्केट रिवर्स करेगा, उस केस में आपका लॉस 50,000 और इवन पूरे कैपिटल को भी वाइप आउट कभी कभी मार्केट कर देती है। और ये हैबिट आपको पड़ जाएगी, भले ही मार्केट वहां पर रिवर्स करते रहे, आप छोटे छोटे लॉस लीजिए। 5,000 का लॉस लिया तो इतना मेरे को पता है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो इजिली 5,000 के लॉस को वहां पर रिकवर कर सकता है। एंड कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर भी, फॉर एग्जाम्पल उनके कैपिटल के हिसाब से, अगर वो 50% ऑफ द कैपिटल और हिज प्रॉफिट ही इज लूजिंग, सो ही इज नॉट केपेबल ऑफ रिकवरिंग दैट। मे बी ही इज केपेबल, बट ही विल टेक टाइम फॉर एटलीस्ट 1 month, 2 month, 3 month ही हैज टू स्पेंड इन द मार्केट, देन ओनली ही कैन रिकवर दैट 50% प्रॉफिट और कैपिटल। तो इससे बढ़िया है लॉस साइकिल की फ्रेंड्स अगर आप बोलेंगे तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। लॉस साइकिल में ही 99% ट्रेडर्स यहाँ पे घूमते रहते हैं। लॉस साइकिल का जाल क्या है मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। एक बार लॉस साइकिल में फंस जाते हैं, सपोज करिए ट्रेडर ने एंट्री करी 1 लाख से, वहां पे उसका लॉस हो गया 50,000, तो 50,000 की लॉस साइकिल उसकी बन गई, एक 50,000 का सर्कल मान के चलिए बन गया। तो जनरली ट्रेडर्स क्या करते हैं, उस 50,000 को रिकवर करने के लिए वहां पे कैपिटल और डाल देंगे। उसमें पहले 1 लाख था, फिर उसे 2 लाख कैपिटल कर देंगे, क्योंकि उन्हें
50,000 की लॉस साइकिल में जो फंसे हुए हैं उसे वहां पे रिकवर करने की इंटेंशन होती है, और होता क्या है उस 50,000 को रिकवर करने के चक्कर में वहां पे वो लॉस साइकिल बड़ी होती जाती है। फिर वो 50 का लॉस 1 लाख हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, फिर से वो आपके 2 लाख के कैपिटल को वहां पे वाइप आउट कर देगा, अगेन 2 लाख को रिकवर करने के लिए, अब लॉस साइकिल यहाँ पे। तो फ्रेंड्स लॉस साइकिल का टॉपिक यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि काफी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, हमें इन पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कस करना है। तो लॉस कट का फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इसे फॉलो करना ही करना है, ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, चाहे आंधी आए या तूफान आए लॉस कट हमें लेना ही लेना है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे पोजीशन साइजिंग, तो लॉस कट के साथ साथ पोजीशन साइजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, मैं बता देता हूँ। इसे इतना इजीली मत समझिएगा कि पोजीशन साइजिंग के बिना आप यहाँ पे प्रॉफिट बना के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लॉस कट के साथ साथ पोजीशन साइजिंग भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, समझा देता हूँ आपको फ्रेंड जस्ट एग्जांपल से। यहाँ पे अगेन बता देता हूँ, जस्ट एग्जांपल यहाँ पे ट्रेंड और वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे एनालिसिस की बातें नहीं कर रहा हूँ। सपोज देखिए ये कैंडल यहाँ पे है, कोई ट्रेडर यहाँ पे देखेगा बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म है, फिर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्म है, तो यहाँ पे वो शॉर्ट साइड की पोजिशन यहाँ पे बना लेगा और उसका टारगेट यहाँ पे होगा ये सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से मान के चलिए 525 है तो 440, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की अप मूव के लिए यहाँ पे वो प्ले करने के लिए सेल साइड की पोजीशन बना रहा है। तो इसमें होगा क्या, अगर पोजीशन साइजिंग प्रॉपर नहीं है आपकी, सपोज करिए 1 लाख का कैपिटल है, पोजीशन साइजिंग आप नहीं कर रहे हैं, तो आप कैलकुलेट करना वहां पे स्टार्ट कर देंगे कि 100 पॉइंट्स में एटलीस्ट यहाँ पे 60-70 पॉइंट यहाँ पे प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा, तो इतनी क्वांटिटी में अगर फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस क्वांटिटी में उठा लूंगा इनटू 70 का प्रीमियम तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा इतना। और ये कैलकुलेशन जब हम करने लगते हैं तो होता क्या है, पोजीशन साइजिंग यहाँ पे हम नहीं करते और पूरे 1 लाख के कैपिटल से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रेड सेल साइड का उसने उठा लिया, और उसने सपोज करिए यहाँ पे जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा का ट्रेड उठा लिया है और यहाँ पे लॉस कट भी यहाँ पे डिफाइन कर लिया है, जो बंदा स्मार्ट है उसने यहाँ पे लॉस कट भी अपना यहाँ पे 590 के लेवल पे, इस लेवल पे अपना लॉस कट डिफाइन कर लिया, स्टॉप लॉस लगा लिया है कि 590 के ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट ले लूंगा। पर रियलिटी में होता क्या है, जब पोजीशन साइजिंग नहीं की होती, जब पूरे 1 लाख के कैपिटल से 10 लाख के कैपिटल से जितना कैपिटल है आपने पूरा का पूरा कैपिटल वहां पे लगा दिया है, कैलकुलेट वहां पे कर लिया है कि इतने इतने परसेंट मैं यहां से मार्केट से बना लूंगा, तो होता क्या है फ्रेंड्स यहां पे मार्केट देखिए यहां पे इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई और ये वाली कैंडल एक्टिव कब होगी, जब ये वाली इनसाइड कैंडल इसके लो को यहाँ पे ब्रेक करेगी, तो इसने लो को यहाँ पे ब्रेक किया नहीं और एक फास्ट रिवर्सल यहाँ पे इमीडिएटली उस बंदे ने यहाँ पे ये इस रेड वाली फॉर एग्जांपल ही बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लोजिंग इसकी 549 है, तो जैसे ही 549 के नीचे यहाँ पे आई 550 मान लीजिए 550 के नीचे उसने यहाँ पे पोजीशन बनाई इस होप में कि इस लो को ब्रेक करते हुए यहाँ पे 100 पॉइंट के मोमेंट वो कैप्चर कर लेगा। पर हुआ क्या, मार्केट थोड़ी नीचे यहाँ पे गई, तो यहाँ पे तो ऑब्वियस है कि माइंड में सेट करके रखा है टारगेट पहले से ही कि 100 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट उसे लेना है, तो यहाँ पे वो एग्जिट लेगा नहीं, सेटअप पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है उसे कि यहाँ पे इतना प्रॉफिट हो सकता है, और इमीडिएटली जो 550 के ऊपर यहाँ पे वो ट्रेड करने लगती है तो वो एक होप यहाँ पे बनी हुई है कि मेरा स्टॉप लॉस तो 590 पे है, वेट वो यहाँ पे करता रहता है। देन क्या हुआ, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल इस क्लोजिंग के ऊपर हुई, इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर दिया,
अब क्या होगा, यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे परसेंटेज वाइज पता चल गया है कि ये ट्रेड उसके अगेंस्ट में जा सकती है। पर इसके साथ साथ, पता चलने के साथ साथ, एक चीज जो यहाँ पे उसे मतलब फोर्स करती रहेगी इस ट्रेड में बने रहने के लिए है, वो है पोजीशन साइजिंग। पूरी के पूरे कैपिटल से उसे यहाँ पे ट्रेड ले रखा है, 550 पे यहाँ पे ट्रेड लिया था, अब उसकी ट्रेड में यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और लॉस होना स्टार्ट होगा मीन्स लॉस भी इतना होगा जो उसकी कैपेसिटी से बाहर है। सपोज करिए 1 लाख का कैपिटल है, यहाँ पे उसको लॉस होना शुरू हो गया जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुई, तो यहाँ पे उसे फॉर एग्जाम्पल 7-8 हज़ार का लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो 1 लाख में 7-8 हज़ार का लॉस होना स्टार्ट हो गया। फिर ये कैंडल मूव करते आ गई उसके स्टॉप लॉस के पास में 590। तो यहाँ तक आते आते उसका लॉस यहाँ पे हो जाएगा 15 हज़ार प्लस में। तो यहाँ पे वो सोचेगा कि यार 15 हज़ार का लॉस हो रहा है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये साइकोलॉजी इसलिए आएगी क्योंकि पोजीशन साइजिंग उसे प्रॉपर यहाँ पे नहीं की है, लॉस बड़े होने लगते हैं, तो देन वो स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा। शिफ्ट क्या करेगा, अरे यार ये जो मूविंग एवरेज ये दिखाई दे रही है यहाँ पे 9 डेज, यहाँ पे फाइनल स्टॉप लॉस में लगा लेता हूँ और यहाँ पे जैसे ही कैंडल आएगी मैं एग्जिट ले लूँगा। तो देन होगा क्या, तो फ्रेंड्स जो एक्चुअल में मार्केट में होता है वही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 590 से शिफ्ट कर दिया उसे अपना स्टॉप लॉस 9 EMA पे, और 9 EMA पे जैसे ही मार्केट आ जाएगी, मार्केट तो अभी भी नहीं रुक रही, यहाँ पे बायस फुल्ली एक्टिव है, तो देन फिर वो सोचेगा यहाँ पे यार ये जो है ना कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, हालांकि बने ना बने वो डिफरेंट इश्यू है, पर क्योंकि उसके लॉस यहाँ पे बड़े हो रहे हैं, यहाँ पे आते आते उसका लॉस अब 25 से 30 हज़ार रुपए हो चुका है। अब वो क्या करता है यार, ये वाली कैंडल जो है 657 ये इसे यहाँ पे हाई मारा था, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए थे, इसे नीचे की तरफ पुश किया था, तो इसके हाई को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट ले लूंगा। इस तरीके से फ्रेंड उसकी साइकोलॉजी यहाँ पे चल रही है। और उसका रीजन क्या है, लॉस कट भी प्लान कर रखा था, उसे स्टॉप लॉस भी लगा रखा था, पर फॉलो नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ पोजीशन साइजिंग। तो यहाँ पे जब आया इस लेवल पे 657 के लेवल पे, तो जैसे ही 657 के लेवल पे आया तो क्या वो एग्जिट करेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वो एग्जिट नहीं करेगा। उसका रीजन मैं बता दूँ, क्योंकि उसके माइंड में क्या आएगा, यार इतना अप मूव तो इतना तो लॉस हो चुका है, यहाँ से 550 पे लिया था 100 पॉइंट जो प्रॉफिट के हमने सोचे थे, अब यहाँ पे 100 पॉइंट अगेंस्ट में उसके मार्केट जा चुकी है, तो 10-20 पॉइंट क्यों ना और वेट कर लिया जाए। यहाँ पे हो सकता है ये स्टॉप लॉस ईट करने के लिए आया हो, इस तरीके के ख्याल उसके माइंड में आने लगेंगे कि स्टॉप लॉस लेने के लिए आया हो सकता है जस्ट 657 को हिट करके एक शार्प डाउनफॉल नीचे की तरफ आ जाए। ये माइंड में इस तरीके के विचार क्यों आ रहे हैं फ्रेंड्स, उसके बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर पोजीशन साइजिंग की वजह से उसके माइंड में ये विचार आ रहे हैं। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे यार 10 पॉइंट और ऊपर ले लेता हूँ, और यहाँ तक उसका लॉस हो चुका है 40 से 50 हज़ार। 40 से 50 हज़ार क्यों हो चुका है, क्योंकि 550 पे यहाँ पे लिया था, यहाँ पे 675 मार्केट, तो 125 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी दे चुकी है, तो यहाँ पे काफ़ी उसका लॉस हो चुका है। और फिर वो क्या करेगा फाइनली इसमें, कि यार यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस बन रहा है, देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया था ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे एक रिवर्सल मिल सकता है हमें, तो वो वेट फाइनली वेट 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 के चक्कर में ये वाली कैंडल फॉर्म हुई, फिर रिवर्सल आया, तो यहाँ पे अब उसका लॉस काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो वो एग्जिट करेगा ही नहीं इसको फ्रेंड्स। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको 40-50 हज़ार का ऑलरेडी लॉस उसको हो चुका है,
तो अब वो इसमें वेट करेगा कि यार मेरा तो इतना कैपिटल जा चुका है और अब वेट कर लेते हैं, और वेट करने के चक्कर में अगेन वन मोर ब्रेकआउट, और फाइनली ऐसे स्टेज पे जाके एग्जिट करेगा जहां पे उसका लॉस 70 से 80 या फिर 90,000 तक हो चुका होगा। तो देखा फ्रेंड्स कैसे इम्प्रॉपर पोजीशन साइजिंग की वजह से वो अपना स्टॉप लॉस और एक्सपीरियंस को यूटिलाइज नहीं कर पाया, जबकि यहाँ पे मैं बताता हूँ इस केस में 1 लाख का था तो उसने डिसाइड किया यहाँ पे यार मैं 20,000 के कैपिटल से यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, जो जो लॉट आएगा वो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, तो 550 पे 20,000 के कैपिटल से एक मैं लॉट ले लेता हूँ, और उसने डिसाइड किया कि एक एवरेज आउट भी कर लूँगा, अगर सपोज करिए थोड़ा ऊपर आएगा तो एक एवरेज आउट भी वहाँ पे कर लूँगा 20,000 से, तो 40,000 के कैपिटल से मैं यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे लॉस मेरा यहाँ पे रखा था ना फ्रेंड्स हमने 590 के लेवल पे, मैं यहाँ पे लॉस बुक कर लूँगा। तो यहाँ पे 20,000 के कैपिटल से उससे ट्रेड में एंट्री ले ली, फिर मार्केट उसके अगेंस्ट में जा रही है क्योंकि कैपिटल थोड़ा यूज किया है तो लॉस इतना ज़्यादा नहीं होगा, और फिर यहाँ पे जैसे ही 590 580 के आसपास आता है उसने अपना प्री डिसाइडेड स्टॉप लॉस रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक एवरेज आउट भी मार दिया उसने फॉर एग्जांपल 580 के लेवल पे, और 10 पॉइंट पे वो वेट कर रहा है एग्जिट के लिए। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि वन वे कैंडल गई होगी, 1 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो नीचे डिप भी मारी होगी ऊपर गया होगा, तो 580 पे उससे एक पोजीशन बनाई तो थोड़ा डिप यहाँ पे मारा होगा क्योंकि पोजीशन हाई रेट पे बनाई है, तो ये एवरेज आउट हो गया, तो और स्टॉप लॉस उसका 10 पॉइंट ही ऊपर है, तो यहाँ पे एक एग्जिट करने का मौका भी मिल सकता है, एग्जिट भी कर सकता है, और एग्जिट नहीं भी करता है मान लो होल्ड करके रखता है वहाँ पे, तो जैसे ही 590 पे आया उसने यहाँ पे एग्जिट मार दिया, तो यहाँ पे उसका लॉस कितना हुआ, एक तो 550 से लेके 90 40 पॉइंट का 20,000 के कैपिटल पे लॉस, और 580 से 590 ₹10 के पॉइंट पे लॉस यहाँ पे जस्ट उसको हुआ है, जो कि वो पूरे दिन में कहीं से भी रिकवर कर लेगा फ्रेंड्स। कहने का मतलब ये है, काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है फ्रेंड्स, इन चीज़ों को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो इसी तरीके से लॉस आप यहाँ पे करते रहेंगे। थर्ड पॉइंट है होप ट्रेड और बिग मूव, ये कब आता है फ्रेंड्स होप ट्रेड या बिग मूव, मैं बताता हूँ कौन कौन इस तरीके की मूव को पकड़ने की कोशिश करता है। होप ट्रेड और बिग मूव तब आती है या तो अनएक्सपीरियंस्ड ट्रेडर को, अनएक्सपीरियंस्ड मीन्स नया नया मार्केट में आया है, 2-3 मूव बड़ी बड़ी धड़ाम धड़ाम यहाँ पे देख ली, तो वो हमेशा बड़ी मूव को पकड़ने के चक्कर में रहेगा, होप ट्रेड में रहेगा कि यहाँ पे मैंने पोजिशन बना ली, अब होप में बैठा हुआ है मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर जाएगा, और मार्केट भले ही उसके अगेंस्ट में जा रहा है पर उसकी होप वहाँ पे बनी हुई है नई नई मार्केट यहाँ से, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल ले लिया है या जो भी है उसको लॉस कट करना है, ये सब नहीं पता, तो होप ट्रेड एक तो वो बंदा करता है। दूसरा होप ट्रेड या बिग मूव कौन पकड़ने की कोशिश करता है, एक एक्सपीरियंस्ड बंदा, जो कि एक्सपीरियंस्ड बंदा है पर लॉस कट पोजीशन साइजिंग और सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, ये 3 पॉइंट जस्ट मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है तभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, पर ये भी अगर आप फॉलो कर लेंगे आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपने ट्रेडिंग में। तो जो लॉस कट पोजिशन साइजिंग नहीं फॉलो कर रहा है, सपोज करिए जो फर्स्ट नंबर का बंदा हमने डिस्कस करा था जिससे कि लॉस यहाँ पे 90,000 कैपिटल उड़ा दिया आउट ऑफ 1 लाख, अब उसके बचा है 10,000, तो अब वो क्या करेगा, 1 लाख और कैपिटल डालेगा, अब उसका कैपिटल हो गया 1,10,000, अब उसे 1,10,000 के कैपिटल से रिकवर करना है
90,000। तो 90,000 रिकवर करने के लिए वो क्या करेगा, छोटी छोटी ट्रेड तो करेगा नहीं, क्योंकि अब उसे एक ही बार में रिकवर करना है। तो बिग मूव पकड़ने की वो यहाँ पे कोशिश करेगा, भले ही मार्केट साइडवेज हो, कुछ भी हो, उसकी थिंकिंग हमेशा क्या रहेगी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है यार, यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल गया तो मेरे को 400 पॉइंट मिल जाएंगे। 400 पॉइंट मीन्स 200 प्रीमियम मेरा हो जाएगा, एंड इनटू क्वांटिटी दैट मीन्स अराउंड 1 लाख का कैपिटल, 1 लाख का प्रॉफिट आई विल अर्न, दैट इज 90,000 का लॉस भी रिकवर हो जाएगा और 10,000 प्रॉफिट भी यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, उसकी थिंकिंग चल रही है बस, क्या मार्केट उस तरीके से चल रही है, मार्केट में भी एक्टिंग इन अ डिफरेंट वे, बट उसकी थिंकिंग जो है एक अलग डायरेक्शन में यहाँ पे कंटिन्यूसली वर्क कर रही है, क्योंकि उसे अपना लॉस रिकवर करना है। और इस तरीके से लॉस कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स, नहीं किया जा सकता। लॉस कट पोजीशन साइजिंग फॉलो करके ही यहाँ पे छोटे छोटे प्रॉफिट कमाने पड़ते हैं, जोड़ना पड़ता है। 5,000 डेली आप कमा रहे हैं, डेली नहीं कमा पा रहे हैं, दैट मीन्स कभी कभी मार्केट साइडवेज हो रहे हैं, तो मार्केट से यहाँ पे बिना प्रॉफिट लिए भी निकलना पड़ता है। कई बार मार्केट को एज इट इज भी छोड़ना पड़ता है कि आज मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, साइडवेज मार्केट है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने कैपिटल और प्रॉफिट को बचाना। कैपिटल और प्रॉफिट को बचा रहे हैं तो मार्केट अपने आप यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा। और ये कब होगा, जब आप लॉस कट करना स्टार्ट करेंगे। सपोज करिए आज के दिन में 5,000 प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन में आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको प्री डिसाइडेड मार्केट में जाना है कि आज मेरे को 5,000 जो कि कल मैंने अर्न करा था, पूरे कैप प्रॉफिट को यहाँ पे नहीं उड़ाना है, तो मैं मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 1,000 या 1,500 लूँगा। और जैसे ही 1,000-1,500 का लॉस यहाँ पे होता है, आप वहाँ पे मार्केट से एग्जिट ले लेंगे, और नेक्स्ट डे के लिए फिर आपके पास 3,500 वहाँ पे बैलेंस है, तो अगेन 1,500 से आप ट्रेडिंग वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है हर रोज मार्केट आपको लॉस नहीं करेगी, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी टाइम आपने मार्केट में बिता लिया है, तो ये डेफिनेट है लॉस मार्केट में हो जाते हैं, ऐसा नहीं है लॉस नहीं होते, पर रिकवरी भी हो जाती है मार्केट में प्रॉपर वे से अगर उसे डील हम करते हैं। तो नेक्स्ट डे 1,500 का लॉस लेके अगर आप ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल 3,000-4,000 आपने कमा लिए, सपोज करिए 3,000 ही कमा लिए, तो 3,500 कैपिटल बाकी था, 3,000 आज कमा लिए, तो 3,500 और 6,500 हो गए, जो कि पहले 5,000 थे, तो 1,500 आपके 5,000 के कैपिटल में और यहाँ पे ऐड हो गए। ये हो गया एक जेन्युइन बंदा जो कि रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए यहाँ पे ट्रेड करता कर रहा है। और दूसरा बंदा क्या है, फास्ट मूविंग बंदा, 5,000 कमाए हैं तो ही मे बी थिंकिंग कि यार 5,000 तो इजीली मार्केट से मैंने कमा लिया, और वहाँ पे मैं थोड़ा कैपिटल और थोड़ा इनपुट डाल देता तो हो सकता है मार्केट मेरे को 10 से 15 भी इजीली दे देता, वहाँ पे टारगेट वो 10 से 15 का लेके चल रहा है, तो नेक्स्ट डे वो क्या करेगा, 10 से 15,000 कमाने के लिए ही ट्रेड करेगा, और लॉस उसके माइंड में है नहीं, क्योंकि उसका टारगेट वहाँ पे, तो फ्रेंड्स वहाँ पे लॉस उसके माइंड में है नहीं, और माइंड में उसके जस्ट है कि मेरे को यहाँ पे 10 से 15,000 कमाना है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो उसके माइंड में ना तो मार्केट का सेटअप आएगा कि किस तरीके की मार्केट है आज, किस तरीके का ट्रेंड है, बस उसके माइंड में वहाँ पे टारगेट है कि 10 से 15,000 उसे यहाँ से कमा के ले जाने हैं। और इसी चक्कर में फ्रेंड्स वो जो 5,000 का प्रॉफिट है वो तो लूज करना ही करना है उसको, और उसके साथ साथ हो सकता है जो 15,000 कमाने के लिए आया था 15,000 गवा के वहाँ से चला जाए, एंड और
नेक्स्ट क्या होगा, लॉस साइकिल में फंस जाएगा। नेक्स्ट डे जब वो आएगा विद ईगरनेस एग्रेसिवनेस कि मेरे को यहाँ पे 20,000 का लॉस रिकवर करना है 80,000 के कैपिटल में, और 20,000 को रिकवर करने के लिए 10,000 और लेके देके जाएगा, और इस तरीके से ये लॉस साइकिल यहाँ पे नेवर एंडिंग प्रोसेस में आ जाती है और आप यहाँ पे लॉस से लॉस करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फॉलो करके देखिए फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब यहाँ कर ले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।